हेलो व्यूअर्स, दिस इज मनजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग विली राइड बेटर। सो गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी मेरे पास है ये स्प्लेंडर प्लस, इसको मैं दिखा देता हूँ जरा सा। ये आपका स्प्लेंडर प्लस है एक्सट्रेक। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया था, सोचा अभी इसकी जो क्या कुछ प्राइस है उसको लेकर के एक वीडियो मैं बना देता हूँ। रिसेंट अपडेट आपके लिए सही रहेगा। सो गाइस, सबसे पहले इसकी जो है लुक मैं दिखा देता हूँ। रियर से कुछ ऐसी दिखती है, ये देख लो, और साइड प्रोफाइल इसका कुछ ऐसा है। यहाँ पे स्टिकर वगैरह का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको एक्सटेक लिखा हुआ मिल जाएगा। ये आपका स्प्लेंडर प्लस है और नो डाउट ये बाइक काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है और हमेशा से शुरू से ये सबकी पसंदीदा बाइक रही है और आगे भी रहेगी। इसकी जो लुक है और इसकी जो पावर है, इसकी जो माइलेज है, नो डाउट इंडिया की नंबर वन बाइक है हर मामले में, ठीक है। तो आप सबको यह बाइक कैसी लगती है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको फ्रंट में एक डीआर मिल जाता है जो कि आप इसको ऑन करोगे, अभी स्टार्ट करोगे तो ये जल जाएगी। एक बार मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। सो ये ऑन हो गया, यहाँ पे आप देख लो डीआरएल इसका जो है ऑन हो जाता है। ये आपको एलईडी में मिल जाता है। सामने तरफ आपको हैलोजन हेडलैम्प मिल जाता है, इसमें आपको एलईडी यूनिट नहीं मिलती है। लाइट की कंडीशन लगभग ठीक ठाक है। ये जो इंडिकेटर है ये भी आपको हैलोजन मिल जाता है, हालांकि ये जो पहले आती थी ये येलो में आती थी, अब इसको चेंज करके ये जो है जो आपका क्लास है इसको वाइट कर दिया गया है और बल्ब जो है उसको येलो कर दिया गया है, ठीक है। सो इसको पहले ऑफ कर लेते हैं। सो ये सामने से दिखने में कुछ ऐसी है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए स्पेस दिया गया है। नीचे तरफ आपका कुछ ऐसा मडगार्ड है। यहाँ पे टायर सेक्शन की बात करें तो आपको इसमें 1818 इंच के आपको इसमें अलॉय व्हील मिल जाते हैं। सो गाइस, अगर ब्रेक की बात करें तो इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है। जैसे कि अगर आप रियर ब्रेक को प्रेस करते हो तो आगे की ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाती है, और अगर आप आगे की ब्रेक को अगर प्रेस करते हो तो पीछे का ब्रेक नहीं लगेगा। तो ये एक अच्छी फीचर इसमें दी गई है, तो ब्रेकिंग कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो गई है, ठीक है। सो सस्पेंशन आपका नॉर्मल सा है, टेलीस्कोपिक। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। इंजन आपको वही 100cc की इंजन मिल जाती है, ठीक है। बस यही था आपको यहाँ पे। बात कर लेते हैं मेन जो चेंज हुआ है आपको मीटर कंसोल में, जो कि कुछ ऐसा फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल हो गया है और ये काफ़ी देखने में प्यारा लगता है। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ अब आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंजन मालफंक्शन का लाइट, न्यूट्रल, ये आपका फ्यूल कितना है वो आपको दिखाएगा। एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे i3s, ठीक है। और ये जो है ऊपर में तीन जो है ये नहीं दिख रहा है। यहाँ पे है आपका इंडिकेटर, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे साइड टर्न इंडिकेटर प्रेस करता हूँ, देख लो, तो ये देख लो इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा है। यहाँ पे आपका जो स्टैंड लगा होगा वो यहाँ पे साइड स्टैंड का इंडिकेशन मिल जाएगा। और ये जो है आपका हाई बीम का है, ठीक है। सो इसको पहले बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो और जो भी कॉल या मैसेज वगैरह आता है तो यहाँ पे आपको दिखा देगा डिस्प्ले में, ठीक है। तो वो मैंने एक वीडियो बना दिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन में जाएं, उसको एक बार चेक कर लें, या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो मीटर कुछ ऐसी है, कैसी लगी आपको मीटर जरूर बताइएगा। यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसमें कंपनी देती है, आपको एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये केबल है, आपको सिंपली केबल खरीद के रखना है और बस आपका फ़ोन चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व है। कितना भी लंबा टूर करो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हैंडल में आपको लेफ्ट हैंड साइड ये हाई बीम लो बीम मिल जाता है। ये आपका इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है, हॉर्न, ठीक है। और राइट हैंड साइड आपको i3s मिल जाता है और एक सेल्फ का। i3s वाली अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं ये क्या होता है कैसे काम करता है, तो ये भी आपको आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ जा करके सिंपली आप इसको देख सकते हैं। सो ये रही आपकी टैंक, और यहाँ पे आपको सीट। तो सीट की बात ये है कि सबसे कंफर्टेबल सीट है, और ये बाइक जो है काफ़ी हल्की और काफ़ी स्मूथ है चलने में, माइलेज अच्छी है। रफ से रफ अगर आप इसको ड्राइव करोगे तो इजीली 65 प्लस की माइलेज दे ही देगी, 60 से कम ये माइलेज देती ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप मन से निकाल दे 60-70-80 तक भी आप निकाल सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको एक कैरियर भी मिल जाता है, आप अगर सामान वगैरह जो भी है, जो भी आपका लगेज है, यहाँ पे आप छोटा मोटा लगेज को ले जा सकते हो। यहाँ पे आपको साइड में भी लगेज का एक ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एसेसरीज का पार्ट है वो आपको मिल जाता है, बाद में आप चाहो तो इसमें भी लगवा सकते हो। यहाँ पे सारी गार्ड मिल जाता है। ये कुछ पीछे का सस्पेंशन है ऐसा नॉर्मल सा। पीछे की टायर की बात करें तो 80, 100 और 18 इंच के आपको इसमें अवेलेबल मिल जाते हैं। सेम टायर है जो कि फ्रंट में वो रियर में ही है, लेकिन ये थोड़ी सी पावरफुल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वही है। लेकिन हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सा इसको और वाइड कर सकते हैं, जैसे 80 है तो इसको मे बी आप 90 कर दो तो थोड़ा सा ठीक रहता है। अच्छा, दूसरा जो इसमें फीचर है, जैसे कि आप इसमें साइड स्टैंड लगाओगे तो ये ऑटो कट हो जाता है, इसका जो पावर है वो कट हो जाता है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच इसमें आपको मिल जाता है। जैसे कि मान लो आप साइड
रजिस्टर लगाए हो और इसको आप स्टार्ट करना चाहोगे तो स्टार्ट नहीं होगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने चाबी ऑन किया, ठीक है, न्यूट्रल है अभी, ये देख लो। अब इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये स्टार्ट तो हो जाएगी, ठीक है, स्टार्ट तो हो गया, लेकिन जैसे ही आप इसमें गियर डालोगे, देख लो ये वीडियो प्रॉपर देख लो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे ऑफ कर दिया है। सो यहाँ पर मैं गियर डालता हूँ, ठीक है, ये देख लो, ये बाइक बंद हो गई, कुछ नहीं किया, बंद हो गई, ठीक है। सो इसको आप सिंपली न्यूट्रल करोगे और साइड स्टैंड हटाओगे, फिर से आप सेल्फ लो और ये बाइक चलेगी। सो गाइज, लगभग जो भी इसमें था मैंने कवर कर लिया है और इसमें कुछ खास नहीं। इसका साइलेंसर कुछ ऐसा है, लंबा सा है, इसमें आपको हीट प्लेट भी यूज़ किया गया है। पहले वाली जो थी वो बिल्कुल अलग थी, जो कि ब्लैक में नहीं आती थी, आपको सिल्वर में ही आती थी, वो बहुत पहले आती थी। सो लगभग यही था इसमें वीडियो में कवर करना था। अच्छा, एक चीज़ और मुझे इसका एक अच्छा लगा, जो कि यहाँ पे जो इसका ब्रेक है, इसके साथ एक जो है ये देख लो आप, छोटा सा एक प्रोटेक्शन यूज़ किया गया है, जो कि आपको सेफ करता है। जब भी आप ब्रेक को प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपका जलने का या फिर फंसने का डर नहीं रहता है। एक हीरो ने अच्छी चीज़ यूज़ की है, जैसे आप प्रेस करते हो आपका शूज़ वगैरह जो है इसमें आपका जलेगा नहीं, मतलब हीट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको किक स्टार्ट भी मिल जाता है। सो लगभग ये बाइक कैसी लगती है आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेन जो है इसकी प्राइस। मैं इस वीडियो को बनाया था कि अभी इसकी जो प्राइस है वो क्या है। सो इसका जो पटना एक शोरूम प्राइस है, मैं पटना का बता रहा हूँ, हो सकता है अलग अलग जो सिटी है या फिर जो स्टेट है उसके हिसाब से प्राइस जो है वेरी करता है। सो अभी ये 73,000 समथिंग कुछ है, ये मैं एक शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूँ। ऑन रोड में भी ये 90-93 या फिर इसके आसपास ही जाएगी, वो आपका जो सिटी है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। सो गाइज, इस वीडियो में बस यही था। इसमें और भी आपको कुछ सवाल जवाब करना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय एंड टेक केयर।